नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं विजय कुमार मिश्रा एक दफ़ा फिर से आप लोगों के बीच सर्स और इंडाइसिस लेकर रूबरू होने के लिए आ चुका हूं। तो आइए हम आपका समय न वेस्ट करते हुए हम कल जहां पास छोड़े थे आज उसको आगे आपको ले चलते हैं। सर्स और इंडाइसिस जो है, घातांक कुरणी जो है, इसमें कुछ आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, जो उन फार्मूलों को आप रटेंगे या आप उस कॉन्सेप्ट फार्मूले के समझ पाएंगे अच्छे से एग्जांपल के साथ, तब आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको कि सर हम फार्मूलों को रट लें या बार बार क्या करें उसको हम प्रैक्टिस करें तो हमको रट जाएगी। तो आइए कैसे फार्मूले होते हैं, तो फार्मूला हम देखते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं। ठीक है, फार्मूला हाँ ठीक है। तो पहला फार्मूला आप नोट कीजिएगा, जो पहला फार्मूला आपका होता है कि ठीक है, अगर ये सब नोट करिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आधार समान है, जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n है ना, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर, कल तो हमने चर्चा की थी घातांक कुरणी के बारे में, आपको समझाया था कि ये एक्चुअल में होता क्या है, उसको मिक्स किए थे, उसको पार्ट में अलग किए थे, आपका वो समझाया था। अब क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं फार्मूला होते हैं, तो इन इम्पॉर्टेंट फार्मूलों में ये क्या होता है, जैसे यहाँ पास आधार समान है, क्या है, आधार समान है ना, तो ये क्या हो जाएंगी, घाते आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो सर a की पावर m प्लस n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। सर कैसे, एग्जांपल एग्जांपल देखिए, आगे इसी से आप बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको मजाक में मत लीजिएगा और सीरियस होकर देखिएगा। ठीक है, अगर आप कि नज़र इधर उधर हुई तो आप बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे। सर कैसे, तीन की पावर दो इंटू तीन की पावर पाँच है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सर हम तीन की पावर दो प्लस पाँच, हम इसको लिख सकते हैं तीन की पावर सात। अगर आधार समान है भाई, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ए की फोटो समान है, जी गुरुजी ठीक है, यहाँ पास क्या है, अलग अलग है पावर, यानी आधार समान है। ठीक, ये पहला आपका होता है रूल, कौन सा रूल होता है, पहला रूल। दूसरे रूल पर चलते हैं, दूसरा रूल आइए ये नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, दूसरा चीज आपका ये होता है कि जैसे a की पावर m, नोट करते जाइए दूसरा नंबर, ठीक है, a की पावर m और a की पावर n है, तो ये क्या होता है कि देखिए यहाँ पास फ्रैक्शन में आ गया, बटे में आ गया, तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि सर हम इसको a m माइनस n लिख देंगे, कोई दिक्कत तो यहाँ पास नहीं हो रही है, a m माइनस n। ठीक है, तीसरा अब इसका एग्जांपल हम करवाएंगे, ठीक है, आपको एग्जांपल कराएंगे, सब कराएंगे, पर भी आप नोट करते जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिए, बस हो गया। तीसरा सर, तीसरा ये होता है हमारा कि a की पावर माइनस m है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये a की पावर माइनस m है, a की पावर माइनस m, इसको सर हम एक बटे a की पावर m लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं, ये रूल होता है, नियम होता है हमारा, क्या होता है, नियम, तो हम नियम के बिहाव पर बता रहे हैं आपको, ये मैथमेटिक्स में कुछ गणितज्ञों ने रूल बनाया घातांक कुरणी को सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारा एक क्या होता है, नियम होता है, रूल होता है। ठीक, आइए थोड़ा आगे और मूव करते हैं, जैसे a इंटू बी की पावर n है ना, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर a की पावर n इंटू बी की पावर n, इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, अगर इस तरह लिखा है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिखा है तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नियम है, आपके फार्मूला है। ठीक है,
जैसे सर एक और इसमें होता है कि जैसे a अपॉन b की पावर क्या है, n है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर n बटे b की पावर n, दैट्स ऑल, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पास, ठीक। और एक आपका और होता है कि जैसे a की पावर a बटे b की पावर माइनस n है, अब यहाँ पास जब माइनस n है, क्या है, माइनस n है, हमको इस माइनस को हटा दें तो हमारा अच्छा बन जाए, काम बन जाए, हमारा इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाएगा। जी सर, इस माइनस को जब हम हटाते हैं तो किस तरीके से हटाते हैं कि हमारी ये क्या होती है, फ्रैक्शन जो होती है, यानी भिन्न जो होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, पलट जाती है, क्या होती है, पलट जाती है, ए बटे बी है ना, तो बी बटे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बटे ए की पावर एन, अब ये माइनस का साइन हट गया, क्या हो गया, माइनस का साइन आपका हट चुका है। यहाँ पास ये नियम लिख चुके होंगे आप लोग शायद, मैं आशा करता हूँ। एक और लिख लीजिए नियम कि जैसे a की पावर जीरो है ना, a की पावर क्या है, जीरो है, इसका हमेशा मान क्या होता है, एक होता है। a की पावर अगर जीरो है, किसी की भी पावर अगर जीरो है, किसी भी आइडेंटिटीज या किसी प्रोडक्ट की पावर क्या है, जीरो है, तो वो हमारा क्या होगा, हमेशा वन देगा, क्या देगा, वन देगा। अगर विजय, मेरा नाम विजय है, मेरी भी पावर जीरो है, तो मेरा मान भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। आप अपने से भी तुलना कर सकते हैं कि अगर आपका नाम, आप अपने नाम के ऊपर जीरो लगा देते हैं तो आपका भी क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला थे जो आपसे डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। आइए कुछ चीजें और चलते हैं। अब देखिएगा, अब कुछ लेटेस्ट चीजें आपको बताता हूं जो बुकों में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अंडर रूट एम अंडर रूट एन ए, इसको आप बताइए, और एक इसको बताइए आप, अंडर रूट एन ए यहाँ पास एम ए है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप इस चीज़ों को बताइए, फिर उसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, मूव कराते हैं। बताने बताइए थोड़ा क्या होगा, ये एग्जाम्पल से भी करवाएंगे इसको, एग्जाम्पल से मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सर आगे हम इसमें आते हैं, कल का वीडियो जब देखे होंगे तो अच्छे से और अच्छे से समझ पाएगा। ये सर हमारा क्या हो जाएगा, सर ये हमारा हो जाएगा a की पावर एक बटे n, क्योंकि मैं बताया हूँ कि ये जो होता है तो कहाँ में आता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है सर। और ये फिर क्या हो जाएगा हमारा, सर ये भी आ जाएगा एक बटे m, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये सर ये हमारा पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ए की पावर एक बटे एम एन इंटू एक बटे एम, ये हमारा इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। जी गुरुजी, अब इसमें क्या अंतर होता है ये भी आप देख लीजिएगा। ये क्या होता है सर, ये a की पावर एक बटे n होता है, इंटू है, बिंदी लगी थी इंटू, a की पावर ये क्या है एक बटे m है। अब मैं फर्स्ट नियम बताया हूँ कि आधार समान हो तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ती न है, तो हम इसको क्या करेंगे सर, a की पावर एक बटे n प्लस एक बटे m, इन इसमें इसमें देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी गुरु जी आ रहा है, मतलब ये आइडेंटिटीज में क्या है हमारे, डिफरेंस है। ये एक घातांक करनी का बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, ठीक है। इस नियम से भी हम आपको आगे मूव कराएंगे सवालों में, तो इस नियम को भी लिख लीजिए, ये आपका महत्वपूर्ण नियम है।
इस पर कुछ एग्जाम्पल हो जाए आप अगर चाहें तो एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं। एक और देख लीजिए, इसी लगे हाथ एक नियम और देख लीजिए, इसी के बिहाव पर एक और देख लीजिए कि m की पावर a अपॉन अंडर रूट n की पावर a, ये क्या होता है इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या होगा हमारा कि सर ये वैक्चुअल में हमारा ये है क्या, सर ये a की पावर एक बटे m है और ये क्या है a की पावर एक बटे n है। जी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, यही है हमारा। अब मैं बताया हूँ कि दूसरे नियम को थोड़ा पीछे करिएगा, मैं दूसरे नियम में आपको इसकी बारे में चर्चा किया हूँ कि सर ये क्या हो रहा है a की पावर ये क्या होती है, ये इससे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, अगर इसकी फोटो आधार की फोटो क्या है समान है तो पावर्स का अगर फ्रैक्शन में है यानी बटे में है तो क्या होता है सर माइनस हो जाता है, सर एक बटे एम माइनस एक बटे एन, एन है ये एन, सॉरी ये हमारा एन है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको बुकों में नहीं मिलेंगे देखने को, इसलिए मैं भी कंफर्ट समझा कि आपको लगे हाथ इसको बता दें, थोड़ा एग्जाम्पल हो जाए, इसी के बिहाफ पर कुछ एग्जाम्पल हो तब तो आपको समझ में आए। तो आइए कुछ सवाल देते हैं, अब आप करिए उसको। ठीक है, पहला गुरुजी क्या है, पहला सवाल हमारा ये है क्यूब रूट्स फिर स्क्वायर रूट टू 64 इसके बराबर मान बताइए, और दूसरा हमारा प्रश्न आपसे ये है कि अंडर रूट क्यूब रूट 64 इंटू अंडर रूट टू 64। अब इसको कर लेंगे तो पिछले वाले फार्मूले जबकि देखे हैं ना उसी के बिहाव पर ये होंगे, तो करिए इसको थोड़ा। सर यहाँ पास स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो हम सर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, आएगा 8 निकल कर। जी गुरुजी अब ये 8 काहे का क्यूब्ड होता है, 2 का क्यूब्ड होता है, ये क्यूब रूट्स में है तो सर यहाँ पास हमारा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, 64 याद करिए काहे का क्यूब्ड होता है, सर 4 का क्यूब्ड होता है, मतलब 64 का क्यूब रूट्स लिखा है तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, 64 ये काहे का होता है 8 का होता है, ये 32 निकल के आ रहा है। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस है, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी शायद, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं कुछ और प्रश्न एग्जाम्पल कीजिए, ऐसे एग्जाम्पल करते जाएंगे आपका घातांक करने के अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप धराशाही करते जाएंगे। एक चीज आप ये बताइए हमको कि जैसे एग्जाम्पल 2 की पावर 3 ब्रैकेट 2 की पावर 2 इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। सर गुरुजी आप हमको ये बताए हैं कि अगर किसी पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, यही बताया है। हाँ जी तो हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3 गुणे 2, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये हमारा आंसर हो गया। कहेंगे आप जी सर क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, ये हमारा नियम भी बोलता है। जी सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारा नियम बोलता है तो हम करते हैं। ठीक है एक और करिए, 2 की पावर 3 2 फिर 3 फिर 2 इसको भी कीजिए, तो सर इसमें कौन सा बहुत बड़ा कंसर्ट है, कर देंगे हम 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 2 की पावर 2 इसको हम गुणा करेंगे 3 दिखाई 9 2 की पावर 18 That's all. सर हमको ये बताया गया है कि पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, यही करते हैं जी। पर अब देखिएगा थोड़ा सा कि प्रश्न अगर इस तरह भी आ जा गया कि 3 की पावर 2 की पावर 3 अब इसका मान बताइए,
तो जो आप पावर के ऊपर पावर गुणा करते हैं ना, यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिस्टम चेंज है। क्या है? सिस्टम चेंज है, इसमें अलग रूल लगेगा। कैसे रूल लगेगा आइए बताते हैं। इसको अब आप गुणा ना करने लगेगा कि सर हम पढ़े हैं तो हम गुणा करते हैं कि 3 की पावर 6 हो गया। हाँ, ये आपका गलत है। आपको करना कैसा है कि इसको आगे ऊपर से सॉल्व करना है। आप इसको आगे बेस मान लीजिए कि सर 2 की पावर क्या है 3 है। क्या है 2 की पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को जब खोलेंगे तो क्या होगा, 2 का गुणा 3 दफ़ा होगा। तो सर 2 का गुणा 3 दफ़ा होगा तो 3 की पावर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर आपको ब्रैकेट में दे देता, क्या दे देता कि 3 की पावर 2, फिर आपको ब्रैकेट में यहाँ पास 3 दे देता, तो आप इसका उत्तर क्या देते हैं, 3 की पावर 6 देते हैं। इसमें इसमें डिफरेंस है, इसमें इसमें क्या है आपका डिफरेंस है। इसीलिए मैं दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी अलग चीज़ है, ये आपकी अलग चीज़ है। एक अब आपको प्रश्न देते हैं, आप उसको करिएगा। जी गुरु जी, हम करने के लिए तैयार हैं। 2 की पावर 2 फिर पावर 2 फिर 2, इसका मान बताइए। चलिए बताइए सर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ऊपर से, तो ऊपर से देख रहे हैं तो 2 की पावर 2 मतलब क्या हुआ सर, 2 की पावर 2 यहाँ पास 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास से 2 की पावर 4 है, 2 की पावर क्या है 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर क्या होगा, 4 दफ़ा हुआ करेंगे 16 होगा। ये मतलब 2 की पावर 16 हमारा निकल के क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। अगर इसी को ब्रैकेट के फॉर्म में दे देता, यानी कोष्टक के फॉर्म में देता, तो आप कैसे, जैसे कि 2 की पावर 2 आप इसको कुछ ना करते हैं, सीधे क्या कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो सर 2 की पावर 8। मतलब देख रहे हैं कि अंतर हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। ये आपका अलग चीज़ है, ये आपका अलग चीज़ है। चीज़ें समझ में रहे हैं होंगे शायद, जहाँ तक है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें जो लेटेस्ट चीज़ें आपकी आ रही हैं घातांक करनी पर, हम उनकी चर्चा करते हैं, फिर प्रश्न लेंगे। अभी कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, फिर हर चीज़ें होंगी। जैसे एक प्रश्न मैं लेता हूँ कि एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। क्या लेते हैं एग्जांपल कि x की पावर 1/p है, ठीक है, बराबर y की पावर 1/q है जी गुरुजी, और z की पावर 1/r है, z की पावर 1/r है आपकी, ठीक। तो x y z बराबर आपको क्या दिया है, एक दिया है x y into y into z बराबर क्या दिया है आपको, 1 दिया है। तो आप हमको ये बताइए p+q+r बराबर क्या होगा, इसको आप बताने का प्रयास कीजिए। देखिए इन तरह के प्रश्न आते हैं, लड़के कभी किए नहीं रहते हैं तो घबराए रहते हैं, ठीक है। ये घातांक और करने के बिहाव पर ही आपका प्रश्न है। होता क्या है, हम कुछ नहीं जानते, जिस प्रकार बता रहे हैं आप उस चीज़ों को बेसिक से समझने का प्रयास कीजिएगा। सर ये x की पावर क्या है, 1/p है, बराबर y की पावर 1/q है, और z की पावर 1/r है, इसके बराबर हम मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं सर, k मान लेते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं सर, x की पावर 1/p = k, x की पावर 1/q = हम k लिख सकते हैं, और z की पावर 1/r = हम k लिख सकते हैं। अब थोड़ा देखिएगा, एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए कि सर ये इसको घात दे देता है, क्या दे देता है, अगर ये 1/p की है ना, जैसे एग्जांपल थोड़ा देखिएगा
कि ये जैसे x की पावर एक बटे पी है ना, तो k है ना, तो आप इसको x बराबर k की पावर लिख सकते हैं। क्यों? एग्जाम्पल से आपको समझाएं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम कि जैसे ये देखिए, जैसे कि आपका क्या है कि 3 की पावर 1/3 है, और ये आपका क्या है यहाँ पास 3 है, या इसको 9 मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देंगे, सर ये है क्या, सर ये क्यूब रूट्स है, कहेगा 3 का क्यूब रूट्स है, ये क्या है 9 है, तो दोनों पक्षों को क्या करने पर, क्यूब करने पर, क्यूब करेंगे तो सर ये वाला तो उड़ जाएगा, इसको ऊपर क्यूब करेंगे तो ये इसको काट देगा, और ये क्या हो जाएगा 9 का क्यूब्ड हो जाएगा। और भी समझिएगा, थोड़ा और समझिएगा, रुकिए समझाते हैं हम आपको ना कि ये कैसे स्क्वायर हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो स्थान कहाँ, जैसे देखिए यहाँ पास जैसे हम 2 की पावर 1/2 लिखे हैं ना, और इसके बराबर हम क्या लिखे हैं 4 लिखा है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पास क्यू क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। और इधर क्या है 4 है, भाई ये इधर आएगा तो स्क्वायर है ना देगा, जी सर। अब दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर का हो जाएगा, उड़ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा सर 16 हो जाएगा, भाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। इसी बिहाफ पर, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम आगे क्या करते हैं देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आगे हम क्या करते हैं देखिए, कि एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर हमारा कहाँ है, देखिए एक्स बराबर के है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, के की पावर पी लिख सकते हैं, यहाँ पास बाई होगा सॉरी, ठीक है। बाई की पावर हम क्या लिख सकते हैं, बाई की पावर हम के की पावर क्यों लिख सकते हैं, और जेड एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, के की पावर आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पास, ठीक है। अब देखिएगा, हमको दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है, हमको एक्स वाई जेड बराबर हमको 1 दिया है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू का पुट कर दें सर, के की पावर पी, के की पावर क्यू, के की पावर आर, ठीक है, बराबर 1। 1 कहाँ से आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग लगाने का प्रयास करिएगा, कंप्यूटर से तेज दिमाग लगाइएगा, ठीक है सर। ये कहीं ना कहीं k की पावर 0 रहा होगा तभी ना ये आया है 1, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था कि किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, मतलब k की पावर 0 रही होगी। लिख भी सकते हैं हम कि सर k की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक, और इसके मान क्या होगा, 1 ही होगा, और दिया भी है हमको, ठीक है। ये हम इस फोटो की जगह ये लिखे हैं, इस फोटो की जगह ये लिखे हैं क्योंकि हमको प्रश्न में दिया है, ठीक है। अगर क्या है देखिए, अब यहाँ पास बेस बराबर हैं, आधार बराबर है, तो घाते आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है सर। तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, कंपेयर कीजिए 0 निकल के आ जाएगा, तो इसका मान हमारा क्या निकल के आएगा 0, ये सर हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, ये परीक्षा में आते हैं, अगर आप इसको बेसिक से समझे हैं तो डील कर जाएंगे, अगर आप इसमें ट्रिक लगाएंगे तो कोई ट्रिक से लगने वाली नहीं है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीजें कल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक आपका इस बिहाफ पर भी प्रश्न आने लगे हैं कि 2 की पावर x = 4 की पावर y = 8 की पावर z
तो एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का रेशियो क्या होगा? रेशियो मतलब अनुपात होता है, ठीक है, क्या होता है? अनुपात। इस पर आप बताइए कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कीजिए कि जो कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, पर एक चीज समझ में आ रही है कि हम बेस को बराबर करना सोचें, दो की पावर सर एक्स है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, दो की पावर ऐसे लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं, दो की पावर यहाँ पास भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, दो की पावर, दो की फॉर्म में बोलेंगे तीन हो जाएगा। फिर यहाँ पास भी आप क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कोई कंसर्ट नहीं है यहाँ पास। दो की पावर एक्स बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर गुणा सर दो की पावर टू बाई बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा सर, दो की पावर थ्री जेड है, ये क्या है, थ्री जेड हो जाएगा, ठीक है। अब बेस बराबर तो घाते आपस में क्या होती है, तो बेस यहाँ पास मल्टीप्लाई नहीं है, बराबर में है, तो ये भी क्या है, आपस में बराबर होंगे। अगर यहाँ यहाँ दो दो बराबर है ना, तो घाते भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो एक्स बराबर टू बाई बराबर थ्री जेड क्या हो जाएगा, थ्री जेड हो जाएगा। अब आपको इसका एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका लेना है सर, यहाँ पास इसका कॉफिशियंट एक है, एक का, एक दो और तीन का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, छः हो जाएगा। अब एलसीएम जब छः ले लिए तो कॉफिशियंट के साथ क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। एक्स की वैल्यू आपकी निकल के क्या आई सर, छः निकल के आई। दो की वैल्यू, दो से में छः का भाग देंगे तो क्या निकल के आया, इसकी वैल्यू तीन निकल के आई, इसकी वैल्यू दो निकल के आई। तो आपका एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड बराबर क्या हो जाएगा सर, छः अनुपाते तीन अनुपाते दो, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यार यहाँ पास, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो नहीं रही है कुछ कुछ। तो आज इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे कल मूव कराएंगे। पर जो आज हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिखाए हैं उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, तब हम आपको आगे ले जा सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आज के फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कल हम आपको समझा सकेंगे, ठीक है। और कल हम जो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस, और कुछ इसी के बिहाव पर कुछ प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नमस्कार साथियों।